तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल इंडिया के अंदर एसयूवी कल्चर कितना फेमस हो गया है, तो आपने भी देखा होगा हमारे चैनल पे अभी बैक टू बैक एसयूवीज की वीडियो ही आई जा रही हैं, जैसे कि मिनी एसयूवी कह लीजिए, सब 4 मीटर कह लीजिए, या फिर फुल साइज एसयूवी कह लीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑटो स्टूडियो। ये है रेनॉ की क्विड, जिसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 4.64 लाख एक्स शोरूम से 5.9 लाख एक्स शोरूम। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जिसका नाम है क्लाइंबर। अगर फ्रंट से बात करी जाए तो आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं विद एलईडी डीआरएल्स, एंड जो आपको हेड यूनिट सेटअप मिल जाता है हेडलाइट का, वो रिफ्लेक्टर बेस्ड है हेलोजन यूनिट के साथ। और क्लैडिंग देख सकते हैं जो आपको साइड में मिलती है हेडलाइट के, काफ़ी बढ़िया लग रही है रेड इंसर्ट्स के साथ। और फ्रंट का जो बम्पर है आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आउटडेटेड डिज़ाइन वगैरह है। फ्रेश हमेशा क्विड जो है हमेशा से फ्रेश फील होती आई है, और इसीलिए ये सबकी पसंद भी बनी है। ऑल्टो को इसने ऑल्टो की लगभग इसने सेल्स ख़त्म करी है, और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इसका एसयूवी स्टांस। मतलब इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एसयूवी का नाम लिया था, रीज़न यही है क्योंकि जो इसका स्टांस है वो कहीं ना कहीं एसयूवी की तरह बाहर निकल के आता है। ये आपको 3 लक्स नट्स मिल जाएंगे, और ये जो आपको व्हील मिलेगा वो स्टील व्हील रिम है, और ब्लैक व्हील कवर मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं मैट ब्लैक में क्लैडिंग मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड है फेंडर लाइन पे, आपको इंडिकेटर मिल जाएगा जो कि हेलोजन बेस्ड है, वो आरवीएम पे आपको नहीं मिलता है। सिंगल वाइपर मिलता है आपको सिंगल वॉशर के साथ, आप देख सकते हैं, और डुअल टोन कलर है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आप देख सकते हैं रूफ पे और ए पिलर्स पे। तो पहले इसके हजार्ड लाइट ऑफ कर लेते हैं और डीआरएल्स बंद कर लेते हैं और बॉनेट ओपन करते हैं। ये बॉनेट ओपनर है या लीवर कह सकते हैं इसे, रेट्रो टाइप डिज़ाइन है इसकी। और अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एक मिलता है आपको 800 सीसी का इंजन जो प्रोड्यूस करता है 53 पीएस की पावर और 72 एनएम का टॉर्क, और एक यूनिट जो है वो 1 लीटर की है जो 3 सिलेंडर 67 पीएस की पावर और 91 एनएम का टॉर्क। ये देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको इंजन में मिलेगा, इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है तो ज़्यादा आवाज़ भी करता है। और दोनों ही इंजन्स के साथ कंपनी क्लेम करती है 22 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। साइड में देख सकते हैं ORBM जो कि ब्लैक कलर्ड हैं, और रूफ रेल्स नॉन फंक्शनल है रेड इंसर्ट्स के साथ। ये एंटीना देख सकते हैं आप, और साइड से बात करें लेंथ की, 3731 mm की आपको लेंथ मिल जाती है और 187 का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है। और अगर फ्यूल लिड की बात करें तो आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो 28 लीटर्स की मिल जाती है। तो आइए चलते हैं पीछे की तरफ और लाइट जला के टेल लैम्प जला के देखते हैं। और पीछे का भी अगर बैक प्रोफाइल देखें तो आपको टेल लैम्प जो है एलईडी और हेलोजन बेस्ड मिल जाती है, नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है बम्पर पे, और जो कुछ क्लैडिंग दी गई है मतलब जो बम्पर है वो मैट ब्लैक फिनिश में है, 3 सेंसर मिल जाते हैं आपको और काफ़ी रगेड फील देता है। ये हो गई रेनॉ की बैजिंग, और रेनॉ के लोगों में इंटीग्रेटेड कैमरा, बैक कैमरा, क्विड की बैजिंग, और ऐसा कुछ की है जिसकी वजह से आप खोल सकते हैं बूट लिड और ऐसा खुल जाएगा। और एक लीवर आपको ड्राइवर साइड में भी दे रखा है जिसकी मदद से आप बूट लिड को एक्सेस कर सकते हैं। और पार्सल ट्रे, देन अगर हम साइड में आएँ तो आपको बैक पैसेंजर्स के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, ये अच्छा टच दिया है एक। और 279 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा आप देख सकते हैं, और कुछ एक्सपोज मेटल देखने को मिल जाएगा। खैर कॉस्ट कटिंग तो होगी क्योंकि आपको फिर इतने कम दाम में इतनी बढ़िया गाड़ी मिल रही है। स्पेयर व्हील्स देख सकते हैं, सीएट का स्पेयर व्हील दे रखा है और एक्सपोज मेटल, और ये वायर भी एक्सपोज है काफ़ी, वो एक्चुअली बूट का वायर था। बूट को कर लेते हैं क्लोज, और रियर डिफॉगर नहीं मिलेगा विंडशील्ड पे, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो अंदर ही आपको मिल जाएगी, और नो रियर वाइपर, स्पॉयलर भी नहीं है मतलब छोटा सा स्पॉयलर है, क्लाइंबर की स्टिकरिंग मिल जाती है आपको। अगर बैक साइड डोर खोल के देखें तो मैट ब्लैक कलर में है, बॉडी कलर नहीं है, और आपको विंडो कंट्रोल मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है छोटी सी गाड़ी में। और क्रोम डोर हैंडल जो ओपनर है, और लॉक अनलॉक का नॉब भी मिल जाता है। स्पीकर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है 2 इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ, एडजस्टेबल नहीं है। और स्पोर्टी फील के लिए कुछ स्पोर्टी स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगी फैब्रिक में। और बंद कर लेते हैं डोर को।
तो अभी आ गए गाड़ी के अंदर, और मैं आपको नी रूम बताऊं तो मेरे हिसाब से ड्राइवर साइड जो सीट है, ड्राइवर सीट जो है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, और नी रूम बहुत कम है। तो भाई अब इस हिसाब से पीछे मेरे लिए तो सीट नहीं है, और अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से ये समझ में आ गया है कि 5'11" मतलब इस पे जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग जर्नी, इस पे वो 5'9" तक ही कर सकते हैं, और ये नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दो, और ऐसी कुछ फाइबर अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, देख सकते हैं आपको ये कुछ येलो कलर की स्टिचिंग, मतलब कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाएगा, वाइट स्टिचिंग हुई ये सब। और पीछे से जो डैशबोर्ड देखते हैं तो ऐसा लिखेगा, आपको देख सकते हैं आप। चलते हैं आगे। ड्राइवर साइड डोर को देखें तो इस पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, और अंदर से बात करें तो क्रोम डोर ओपनर मिल जाता है, बॉटल बिन मिल जाती है, कुछ स्पेस मिल जाता है, और ग्रैब हैंडल और लॉक अनलॉक का नॉब मिल जाता है। और जो सीट है उस पर आप देख सकते हैं क्या डिज़ाइन दे रखी है, और फ्यूल लिड और बूट लिड का ऑप्शन मिल जाता है, लीवर और बोनट लीवर मिल जाता है, और देख सकते हैं एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच और फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। अंदर बैठ जाते हैं और अंदर बैठ के बात करते हैं आप। तो अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो अंदर की बात करते हैं अब, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये है आपका 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील विथ नो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, साइड वाइज में हॉर्न मिल जाता है, रेनॉल्ट की बैजिंग एंड SRS की आपको बैजिंग मिल जाएगी, स्पोर्टी स्ट्रिप मिल जाती है आपको स्टेयरिंग व्हील पे, और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो लीवर मिल जाता है, वॉशर लीवर, और राइट साइड में आपको जो कंट्रोल्स मिलेंगे वो हेडलाइट कंट्रोल्स मिलेंगे, ये ऐसा कुछ AC वेंट मिलता है सर्कुलर में, और सैटिन गन मेटल फिनिश आप देख सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया प्रीमियम फील हो रहा है, कुछ चीज़ें इसमें फ्री प्रीमियम है। स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है इधर, डोर पे नहीं मिलेगा, और डिफॉगर एंड देन क्विड डिम्बोस्ट SRS की एयरबैग एम्बोस लिखा हुआ है इस पे, जिससे मालूम पड़ेगा कि आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं इसमें। और तो आइए गाड़ी को कर लेते हैं ऑन। ये है ऐसी कुछ की, इसमें अनलॉक लॉक का ऑप्शन, देन रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम लग रही है गाड़ी की चाबी भी, और इसको कर लेते हैं ऑन पहले, तो गाड़ी को ऑन कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह, और AC कर लेते हैं ऑफ, और यहाँ से ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे लेफ्ट और राइट एडजस्ट करने के लिए, देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको RPM मीटर देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप, और इसको ऑन करते हैं तो आपको स्वाइप अप देखने को मिलेगा एक RPM मीटर पे, और MID डिस्प्ले, देन फ्यूल गेज एंड इंजन चेक की लाइट्स, हैंड ब्रेक की लाइट, और सारी इंडिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे फ्यूल गेज वगैरह के, MID डिस्प्ले जिस पे आपको सब देखने को मिलेगा, ट्रिप मीटर वगैरह, तो ABS के इंडिकेटर्स और टेम्परेचर मीटर ये सब देखने को मिलेगा इसमें। ये है रेनो की स्क्रीन जो कि क्विड में बहुत टाइम से आ रही है, और पहले कभी किसी कार में, छोटी कार में नहीं आती थी, लेकिन ये सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले, ऐसा कुछ मीडिया आप देख सकते हैं, और ये होम का बटन हो गया, बटन का नहीं मतलब टच स्क्रीन में तो कहाँ बटन, ये नॉब है साउंड नॉब, और ये कंट्रोल विंडो कंट्रोल्स हो गए, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, हजार्ड लाइट का ऑप्शन, और कुछ डमी बटन, ये है AC टेम्परेचर कंट्रोल, देन फ्लो कंट्रोल एंड ये ब्लोअर कंट्रोल है, और मोड्स के कंट्रोल, लेकिन सच बताऊं तो ये भी जो नॉब्स थे वो काफ़ी टाइट थे। 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है 3.5 mm के जैक के साथ और USB सॉकेट के साथ, कुछ स्पेस मिल जाती है वॉलेट वगैरह रखने के लिए, और ये 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है लेदर रैप्ड, देन कुछ स्पेस यहाँ पर भी, और ये है हैंड ब्रेक। ग्लो बॉक्स की बात करें तो बहुत बड़ा ग्लो बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है जो कि कूल्ड है, देख सकते हैं, और सन वाइजर वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा इसमें, ये है आपको लाइट जो हैलोजन बेस्ड है, और मैनुअल IRVM मिल जाता है, और वैनिटी मिरर आपको लेफ्ट साइड में भी देखने को नहीं मिलता है, और ये स्क्रीन हो गई। ABS EBD जैसे कुछ फीचर और मिल जाते हैं जो सेफ्टी के लिए काफ़ी बढ़िया हैं इस छोटी सी गाड़ी में, और आपको ये गाड़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से जो सम अप है मैं आपको बता देता हूँ, इस प्राइस रेंज में इससे बढ़िया गाड़ी मेरे को अभी तक नहीं लगी, और शायद आपको भी नहीं लगी होगी क्योंकि इसका स्टांस ही कुछ ऐसा है, तो जैसे भी हो आप कमेंट्स करके बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो।